खबर शामिल करते हैं। मेलसी से एहसास एमरजेंसी कैश रिलीफ प्रोग्राम के तहत 18,450 मुस्तहिक अफराद में 20 करोड़ से ज्यादा रकम तकसीम। समाजी फासले नज़रअंदाज, सिक्योरिटी गार्ड फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय कुर्सी पर आराम करते रहे। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मेलसी में भी 4 एहसास कफालत सेंटर गड़ा मोहर, हरिचंद, दकोटा और मेलसी बनाए गए। खवातीन और मर्द हजरात को समाजी फासले के लिए पाबंद नहीं किया गया, जिससे कोरोना वायरस के फैलाव का खर्चा है। सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने की बजाय कुर्सी पर आराम करते नजर आ रहे हैं, जबकि स्टाफ माजूर अफराद को बेहतर प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मुस्तहिक अफराद रकम मिलने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास प्रोग्राम हसनैन रजा ने विजिट के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एहसास कफालत की तरफ से जिले इंतजामिया, तहसील इंतजामिया और BSP ऑफिस ने मिलकर मेलसी में 4 सेंटर कायम किए थे। मौजा हरिचंद में, गड़े मोड़ में, दकोटा में और तहसील मेलसी के बॉयज़ हाई स्कूल मेलसी में 4 सेंटर ने अभी तक 18,450 खवातीन में इमदाद तकसीम कर दी है। कुल ग्रांट 20 करोड़ रुपए से ज़ायद ग्रांट हमने शफाफ अंदाज से ज़िले इंतजामिया और तमाम सिक्योरिटी इंतजामिया के मुशावरे से हमने ये तमाम ग्रांट औरतों को नहायत शफाफ अंदाज से तकसीम कर दी गई है। मज़ीद हम इसको जो इस तरह औरतों को 8 मंथ 7 मंथ से ये आदमियों के मैसेज आ रहे हैं, उन्हें हम उनकी खिदमत में पेश हैं और इंशाल्लाह ताला किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। अगर इसके बावजूद किसी को शिकायत का मौका है तो वो अपने करीबी एहसास कफालत सेंटर में या BSP के दफ्तर में आके अपनी शिकायत रजिस्टर करें।